स्पेल बी के बाद अब भारतीय छात्रों ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। फिजिक्स ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत के 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड जीता है। इसमें भारत 21 साल से भाग ले रहा है। इससे पहले सबसे बड़ी उपलब्धि 4 गोल्ड व 1 सिल्वर मेडल की रही है। IPHO में मुंबई के भास्कर गुप्ता, कोटा के लकय जैन, राजकोट के निशांत अभांगी, जयपुर के पवन गोयल व कोलकाता के सिद्धार्थ तिवारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें से भास्कर गुप्ता, लकय जैन, निशांत अभांगी व पवन गोयल ने कोटा में रहकर कोचिंग की थी। IPHO पिछले सप्ताह पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित हुआ था। IPHO में पूरे विश्व के 86 देशों के 396 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें 42 विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। 1 लाख स्टूडेंट्स में से 5 का होता है सिलेक्शन। इंटरनेशनल ओलंपियाड में सिलेक्शन के लिए होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एग्जाम करवाता है। जोनल व नेशनल लेवल पर सिलेक्शन के बाद ओरिएंटेशन कैंप आयोजित किया जाता है। जोनल लेवल पर करीब 1 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। ओरिएंटेशन कैंप के लिए पूरे देश से 32 छात्रों का सिलेक्शन होता है। इसमें से 5 का सिलेक्शन इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए होता है। ओलंपियाड क्यों महत्वपूर्ण? ओलंपियाड में भारतीय शिक्षा पैटर्न व स्टूडेंट्स की तुलना अन्य देशों के स्टूडेंट्स से होती है। इस प्रतियोगिता में मुख्यतः 11वीं व 12वीं के ही स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि भारत की शुरुआती शिक्षा विश्व में किस स्तर की है। मुख्य रूप से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी और जूनियर साइंस ओलंपियाड आयोजित किए जाते हैं।